हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर में। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए एग्रीकल्चर के टॉप 50 क्वेश्चन, जिनके बारे में हम सभी लोग मिलकर के डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट पूर्वक अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है कि एवल मोकस एस्कुलेंटम वनस्पतिक नाम है, यानी कि जो एवल मोकस एस्कुलेंटस जो नाम है ये किसका है। दोस्तों, ये है भिंडी का। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता होती है, यानी कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, वो होती है 300 ग्राम। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, बूंद बूंद सिंचाई सबसे अधिक उपयोगी है, यानी कि जो टपक सिंचाई है हमारी सबसे अधिक उपयोगी किन फसलों के लिए है। यह है फल वाली सब्जियों के लिए, यानी कि बागवानी के लिए हम कह सकते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 4 है, एकांतरण फलन की समस्या है, यानी कि जो एकांतरण फलन की समस्या है दोस्तों किससे है, ये है हमारी आम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोला किसकी एक किस्म है, गोला जो किस्म है दोस्तों किसकी है, ये हमारी है आम की। गोला आम की एक प्रमुख किस्म है। क्वेश्चन नंबर 5, साइलेज में नमी की मात्रा पाई जाती है या होती है। तो दोस्तों, ये होती है 60 से 70%। ओके दोस्तों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पश्मीना नस्ल है, तो दोस्तों पश्मीना जो नस्ल है दोस्तों वो है हमारी बकरी की। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, मुर्गी की दो प्रयोजनी नस्ल है, तो ये है रोड आइसलैंड रेड, ये जो है मुर्गी की दो प्रयोजनी नस्ल है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी मुर्गी की ऐसी कौन सी एक प्रजाति है जिसका उपयोग लड़ाई के लिए किया जाता है, तो दोस्तों वो है हमारी असील। ओके, ये और इसका अगर जन्म स्थान पूछ दिया जाए तो वो है आंध्र प्रदेश हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर ये जो है 9, अर्का सूर्यमुखी एक उन्नत किस्म है, तो दोस्तों ये है हमारी कद्दू की। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फलों को पकने में उपयोगी हार्मोन है, तो दोस्तों यह है इथिलीन। ओके, फलों का पकने में एक उपयोगी हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, किस फल में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो दोस्तों यह है आंवला। ओके, और इसके बाद एक दूसरा नंबर आता है, वो आता है अमरूद का, इसके बाद अमरूद का और अमरूद के बाद में इमली वगैरह। क्वेश्चन नंबर 12, जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है, तो दोस्तों होता है 65%। ओके, 65%। और क्वेश्चन नंबर 13, एप्पल कलर किस्म है, तो दोस्तों जो एप्पल कलर किस्म है वो हमारी है अमरूद की। ओके दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसी के साथ में हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है TS Agri Academy। ओके दोस्तों, तो इस चैनल पर भी इसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को, वहां जाकर इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो जो है वो आप वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, मेथी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो दोस्तों ये होता है राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक वयस्क व्यक्ति का औसत दैनिक सब्जी आवश्यक है, तो दोस्तों है 300 ग्राम प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 16, टोन वर्ग एक विदेशी नस्ल है, तो दोस्तों टोन वर्ग जो विदेशी नस्ल है किसकी है, तो दोस्तों यह है बकरी की। ओके, ये एक बकरी की विदेशी नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 17, कुसुम के बीज में तेल की मात्रा पाई जाती है, तो दोस्तों पाई जाती है 32
35%। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंधी गुड़ाई संबंधित है या संभव है? तो दोस्तों यह है हमारी गन्नेज। ओके, नेक्स्ट, भारत की औसतन वर्षा है? तो दोस्तों है 1190 mm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 20, वातावरण में CO2 की मात्रा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मात्रा कितनी है? तो दोस्तों है 0.03%। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेथी का वैज्ञानिक नाम है? तो मेथी का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ट्राइगोनेला फोइनम, ये मेथी का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 22, स्टूलिंग किस फसल में प्रचलित प्रवर्धन विधि है? तो दोस्तों ये है अमरूद की, ये प्रचलित विधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संकर बैंगन की बीज दर होती है? तो दोस्तों होती है 250 यानी 250 ग्राम पर हेक्टेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फूल गोभी में पिप्टेल किस तत्व की कमी से लगता है? तो दोस्तों वो लगता है मोलीबिडनम, मोलीबिडनम। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठंडी जलवायु का फल है? तो यानी कि नाशपाती, जो हमारे शीतोष्ण जलवायु में होते हैं उन्हें हम ठंडी जलवायु के फल कहते हैं, जो नाशपाती, सेब। क्वेश्चन नंबर 26, तरबूज की प्रति हेक्टेयर कितने किलो बीज की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों होती है 3 से 4 kg पर हेक्टेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है 27, हनी ड्यूबा पूसा डिलीशियस किस्म है? तो दोस्तों यह है पपीते की। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का कितने प्रतिशत छिड़काव करते हैं? तो दोस्तों करते हैं 0.0 0.1%। ओके, नेक्स्ट, गांठ गोभी बोई जाती है यानी कि गांठ गोभी कब बोई जाती है? दोस्तों ये बोई जाती है रवि ऋतु में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, जो कि ये 30 हमारा क्वेश्चन है कि जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है? तो दोस्तों होती है 65 to 68%। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एवल मोकस एस्कुलेंटस वनस्पति नाम है? तो दोस्तों ये हमारा भिंडी का। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, मानव आहार में सब्जियों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों होती है 300 ग्रामों की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूंकि हमारा है कि बूंद बूंद सिंचाई सबसे अधिक उपयोगी है, तो ये है फल वाली फसलों के लिए बूंद बूंद सिंचाई सबसे अधिक उपयोगी है। और क्वेश्चन नंबर 34, एकांतरण फलन समस्या है? तो दोस्तों यह है आम की। ओके, क्वेश्चन नंबर जो हमें 35 दिया गया है, तो एक गोला किस्म है? तो दोस्तों गोला जो किस्म है वो है हमारी आम की। क्वेश्चन नंबर 36, साइलेज में नमी की मात्रा होती है? तो दोस्तों होती है 60 to 70%। नेक्स्ट, दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि साइलेज में नमी की प्रतिशत मात्रा होती है, तो 60 से 70%। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पश्मीना नस्ल है? तो दोस्तों जो पश्मीना नस्ल है वो हमारी बकरी की नस्ल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, मुर्गी की 2 प्रयोजनी नस्ल है? तो वो है रोड आइस रेंड, ये मुर्गी की 2 प्रयोजनी नस्ल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, पश्मीना नस्ल है? तो दोस्तों पश्मीना जो नस्ल है वो है हमारी बकरी की एक पश्मीना नस्ल है। इसमें क्वेश्चन नंबर फिर 40, क्वेश्चन दोस्तों डबल हो गया, ऊपर भी है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 41 देखते हैं कि राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला है? तो दोस्तों ये है हमारा अजमेर, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मुर्गी पालने वाला जिला अजमेर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है? तो वो होता है दोस्तों 105 से 107 डिग्री
पर नाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43। ताजे दूध का पीएच मान होता है, तो दोस्तों जो ताजे दूध का पीएच मान होता है वो 6.7। ओके, क्वेश्चन नंबर 54। गाय में गर्भावधि होती है, तो दोस्तों वो होती है गाय का जो गर्भकाल होता है 281, 82 या 83 दिन तक आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। एग्जैक्ट होता है वो 282 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 45। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, तो दोस्तों जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है हमारा चना। दोस्तों आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट पूर्वक अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। दिशा एग्रीकल्चर अकेडमी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 46। कौन सी फसल गरीब आदमी के मित्र फसल कहलाती है, यानी किस फसल को गरीब किसान की मित्र फसल कहते हैं, तो दोस्तों वो है आलू। ओके, क्वेश्चन नंबर 47। रेड हर्ट बीमारी संबंधित है, तो दोस्तों रेड हर्ट है वो है गन्ने से। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि जबकि ब्लैक हर्ट जो है वो है हमारी आलू से, यानी कि इसी की जैसी है बिल्कुल, रेड हर्ट और ब्लैक हर्ट, ब्लैक हर्ट है ये आलू से। क्वेश्चन नंबर 49। सरसों की फली को कहते हैं, यानी कि जो सरसों के फल का प्रकार होता है उसे क्या कहते हैं, दोस्तों वो होता है सिलकुआ, जैसे गेहूं को हम लोग कैरियापसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 सॉरी क्वेश्चन नंबर 50। गेहूं की सिंचाई है तो कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो दोस्तों अपनाई जाती है क्यारी विधि। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा दिया गया है, किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है, तो ये है बरसीम, यानी बरसीम को हम लोग चारे का राजा भी कहते हैं। दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उनको भी इस चीज़ का लाभ प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके।